मैं सुबह से वेट कर रहा था कि कब 5 बजे और मैं इश्के ला का जो फर्स्ट लुक रिलीज़ होना था आज 5 बजे वो देखूं, और अभी 5:02 हुए हैं और मैंने इसका पहला फर्स्ट लुक जो था वो देख लिया। तो जब मैंने इसे प्ले किया तो सबसे अच्छी जो फील थी वो थी इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक की, जो काफ़ी रेट्रो और काफ़ी मतलब ना सॉक्ड इन लव लग रहा था। तो उसके बाद आया फर्स्ट पोस्टर जिसमें सजल अली और अजान समी खान को दिखाया गया और साइड में दिखाया गया यमुना जैदी को। तो ये पोस्टर आप देख भी सकते हैं। तो मुझे एक्साइटेड तो हूँ इस ड्रामे के लिए, इसकी शूटिंग के लिए, अजान समी खान सजल अली कास्ट के लिए, लेकिन स्टोरी से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मे बी इस बार भी एक लव ट्रायंगल होने वाला है। मुझे पता है यमुना जैदी और सजल अली ऐसी दो मतलब हीरोइन है, हमारी एक्ट्रेस है, जिनका फैंडम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन पर अगर थोड़ा भी क्रिटिसिज्म किया जाए तो इनके फैंस जो इनकी आर्मी हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैकलैश करती है, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करेगी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा। तो बाकी मुझे स्टोरी से डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा पोस्टर देखकर के, मतलब एक लव ट्रायंगल सा ही कुछ दिखाया जा रहा है जो हम इससे पहले बहुत दफ़ा देख चुके हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि स्टोरीज़ की अच्छी होगी। इसमें स्पिरिचुअलिज्म है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, इसके जो गुड पॉइंट्स हैं, इसका OST अच्छा होने वाला है, इसकी स्टेलर कास्ट, अमीन इकबाल, इसके अलावा लोकेशंस, इन चीज़ों के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी अगर स्टोरी अच्छी ना हुई तो फिर इन चीज़ों का भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बजट वाले ड्रामास और मूवीज़ ऐसी हैं जो अपनी स्टोरी की वजह से रह जाती हैं। बाकी फिंगर क्रॉस्ड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट के इसकी स्टोरी अच्छी हो, और बाकी अगर स्टोरी अच्छी हुई तो इसमें बाकी ऐसी कोई कमी नहीं है कि जिसमें ये पीछे रह जाए। डायरेक्शन, एक्टिंग सब कुछ अच्छा है। बाकी आप बताएं कि आपने पोस्टर देखा है या आपने ये पहला जो इसका फर्स्ट लुक है इसे देखा है या नहीं। अगर देखा है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या रिव्यू है। अगर नहीं देखा तो अभी हम टीवी के जो ऑफिशियल चैनल है उस पर जाकर लाजमी देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।